are you? I hope you all will be fine. So today we are going to start a new chapter, that is polynomial of class 10th. And this is very important chapter because most of the questions come from this chapter in your board exam. और आपको ये करना काफी ज्यादा जरूरी है. सो स्टार्ट करते हैं इसको. बिफोर स्टार्टिंग दिस, जस्ट अंडरस्टैंड सम बेसिक ऑफ दिस चैप्टर. क्लियर है? जो कि हम ऑलरेडी वी हैव स्टडीड इन क्लास 9th, तो उसको भी हम थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं जल्दी जल्दी. देन वी विल मूव टू द चैप्टर ऑफ दिस. तो फर्स्ट वन इज कॉन्स्टेंट. जल्दी जल्दी करेंगे इसको बिकॉज वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन क्लास 9th कॉन्स्टेंट. कॉन्स्टेंट की अगर हम बात करें, कॉन्स्टेंट बेसिकली क्या होता है, जितने भी न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं उनको हम क्या बोलते हैं, कॉन्स्टेंट. 1, 2, 3, 4, pi एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा, है ना. दीज ऑल आर नोन एज कॉन्स्टेंट. क्लियर है? इसके बाद अगर हम बात करें वेरिएबल्स, वॉट इज वेरिएबल्स. वेरिएबल्स हमारे जितने भी हमारे अल्फाबेटिकल्स, जो भी लेटर्स हैं हमारे पास, ए टू जेड जितने भी हमारे पास लेटर हैं, वो सारे क्या कहलाते हैं, वेरिएबल्स. इनको वेरिएबल्स इसलिए कहा जाता है बिकॉज हमारे पास इनकी पर्टिकुलर वैल्यू नहीं होती है ना, इसलिए इनको वेरिएबल्स कहते हैं. अब वेरिएबल्स के बाद अगर हम देखें तो आता है इसमें कोफिशियंट. सो व्हाट इज कोफिशियंट? कोई भी नंबर जो मल्टीप्लाई में रहता है वेरिएबल्स के साथ उसको हम क्या बोलते हैं, कोफिशियंट. फॉर एग्जाम्पल 2x 5y z, है ना. यहाँ पे जो 2 है हमारा, 2 कोफिशियंट, 5 कोफिशियंट, यहाँ पे 1 रहेगा तो 1 कोफिशियंट. क्लियर है? ये सब हम 9th में पढ़ चुके हैं, बट हम बस इसको थोड़ा सा हम क्या कर रहे हैं, इसका रिकॉल कर लेते हैं जो भी हमने 9th में पढ़ा है ना, क्योंकि बेसिक जानना हर एक चैप्टर का काफी ज्यादा जरूरी है. चलो, कोफिशियंट के बाद अगर हम बात करें, कोफिशियंट के बाद हमारा आता है एक्सपोनेंट और पावर. एक्सपोनेंट और पावर, तो आप लोगों ने देखा होगा किसी भी पर्टिकुलर वेरिएबल के ऊपर जो एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है छोटी सी, उसको हम क्या बोलते हैं, पावर या एक्सपोनेंट. वाई क्यूब, तो 3 इज एक्सपोनेंट और पावर, 2 इज एक्सपोनेंट और पावर. इसके बाद आता है हमारा क्या, डिग्री. डिग्री की अगर हम बात करें तो डिग्री क्या होता है, हाईएस्ट पावर. क्या होता है, हाईएस्ट पावर. तो किसी भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में जो सबसे हाईएस्ट पावर होगी उसको हम क्या बोलते हैं, डिग्री. फॉर एग्जाम्पल 5x³ + 2x² + 7. तो यहां पे हम क्या देख रहे हैं, यहां पे 3 इस पूरे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की जो 3 है वो हाईएस्ट पावर है. तो 3 क्या कहलाएगा, 3 इस पूरे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की डिग्री कहलाएगी, है ना. तो क्लियर हुआ ये डिग्री क्या होता है. डिग्री क्या होता है, किसी भी पर्टिकुलर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में जो हाईएस्ट पावर होता है उसको हम डिग्री कहते हैं. अब मैं एक वर्ड जो यूज कर रहा हूं फ्रिक्वेंटली, दैट इज एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. सो मतलब क्या हुआ इसका, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का, तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन मतलब होता है कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स एंड कॉन्स्टेंट विद सम ऑपरेटर्स इज नोन एज एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं कोई भी एक इक्वेशन लिख देता हूं यहां पे, 2x + 5y = 3. अब यहां पे आप देखो, 2, 5, 3 आर नोन एज कॉन्स्टेंट. एक्स एंड वाई क्या है हमारा, वेरिएबल. वहीं देखो ऑपरेटर्स भी लगे. ऑपरेटर्स क्या होता है, प्लस माइनस, ये जितने भी एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लीकेशन डिवीजन, है ना, ये सब जो ऑपरेशन यूज होते हैं उनको हम ऑपरेटर्स बोलते हैं. तो इन सब के कॉम्बिनेशन को, है ना, इन सब के कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. क्लियर हुआ यहां तक? तो और देख लेते हैं, और भी अगर कोई वर्ड इसमें यूज होता है, तो जैसे डिग्री हो गया, एक और देख लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल, सपोज जीरोस. जीरोस हमें जानना बहुत जरूरी है ना, जीरोस, क्योंकि हम फ्रिक्वेंटली इस वर्ड को काफी ज्यादा यूज करेंगे इस चैप्टर को, चैप्टर में. जीरोस क्या होता है, देखो 9th में ही हमने पढ़ रखा है, काफी अच्छे से पढ़ रखा है. जीरोस मतलब अगर किसी भी पर्टिकुलर पॉलिनोमियल में कोई पर्टिकुलर वैल्यू डालने पर उस पूरे पॉलिनोमियल का जो सम करने के बाद जो आंसर आता है अगर वो जीरो है, तो वो वैल्यू जिसको पुट करने पर आंसर जीरो आया है उस वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, जीरोस. क्या बोलते हैं, जीरोस. तो इस चैप्टर में जो हमें पढ़ना है, तो वो अल्फा और बीटा से हम डिनोट करेंगे जीरोस को, है ना. अल्फा और बीटा आपके कोई पर्टिकुलर न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, उन दोनों न्यूमेरिकल वैल्यू को अगर आप अपनी किसी इक्वेशन में पुट करते हो तो आपका जो आंसर है वो जीरो आएगा, है ना. तो इसीलिए उसको जीरो कहते हैं. अब देखो, काफी सारे बच्चे को यहाँ कंफ्यूजन होता है, सर जीरो मतलब क्या है, जीरो मतलब हम इस जीरो की बात कर रहे हैं. तो आंसर है, हम इसकी भी बात कर रहे हैं
और इसकी नहीं भी कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो कैसे, अगर किसी इक्वेशन में जीरो पुट करने पर, अगर किसी इक्वेशन में जीरो पुट करने पर आंसर जीरो आए तो ये जीरो जीरो कहलाएगा। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, पर ध्यान से देखो जीरो मतलब क्या होता है, किसी भी वैल्यू को पुट करने पर आंसर जीरो आना चाहिए। तो भैया वो वैल्यू जीरो भी तो हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल सपोज ये पॉलिनोमियल दिया है आपको एक्स क्यूब, पॉलिनोमियल है ना, सिंपल एक मोनोमियल हो गया ये सिंगल टर्म वाला। अगर मैं इसमें जीरो पुट करूं तो क्या आएगा आंसर, आंसर मेरा जीरो आएगा, आया ना जीरो। तो ये जीरो क्या कहलाएगा, ये जीरो इस मोनोमियल का जीरो कहलाएगा, ठीक है। बट याद रखना हर केस में जीरो ही जीरो नहीं होता है किसी भी पॉलिनोमियल का, कभी वन भी जीरो हो सकता है, टू भी जीरो हो सकता है, फ्रैक्शंस में भी आपके जीरो आ सकते हैं, है ना। बस उन नंबर्स को पुट करने पर किसी भी पॉलिनोमियल में आपका आंसर जीरो आना चाहिए। तो अगर जीरो को पुट करने पर भी जीरो आ रहा है तो वो जीरो भी जीरो कहलाएगा, फाइव को पुट करने पर जीरो आ रहा है तो फाइव जीरो कहलाएगा, सेवन अपॉन नाइन को पुट करने पर जीरो आ रहा है तो सेवन अपॉन नाइन जीरो कहलाएगा। क्लियर हुआ? तो जीरोस क्या होते हैं, बेसिकली उस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल के जो सॉल्यूशंस होते हैं, जो आंसर्स निकल के आते हैं, जिनको पुट करने पर आपका जो वैल्यू है वो जीरो आए, उनको हम जीरोस कहते हैं, ठीक है। अल्फा और बीटा, अगर हम लीनियर पॉलिनोमियल की बात करें तो एक ही जीरो आएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करें तो दो जीरो आएंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल की बात करें तो तीन जीरो आएंगे, वो अभी हम देखते हैं किस तरीके से। तो अभी हमने कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी के बारे में जाना है ना, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी था। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। चलो, तो हमने, हमें मालूम है जैसा कि हमने नाइन्थ क्लास में पढ़ा है, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री वी हैव क्लासिफाइड द पॉलिनोमियल्स, है ना। तो डिग्री के बेसिस पे हमारा जो पहला आता है, व्हेन डिग्री इज वन, डिग्री इज वन, उसको हमने क्या बोला है, लीनियर पॉलिनोमियल। क्या बोला है, लीनियर पॉलिनोमियल, है ना। लीनियर पॉलिनोमियल की अगर हम जनरल इक्वेशन की बात करें तो वो क्या होती है, ए एक्स प्लस बी। वहीं जब हम डिग्री टू की बात करते हैं, व्हेन डिग्री इज टू, इसको हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसकी जनरल फॉर्म क्या होती है, क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक मतलब व्हेन डिग्री इज टू, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब बात करते हैं व्हेन डिग्री इज थ्री, डिग्री इज थ्री, इसको हम क्या बोलते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल, है ना, क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म क्या है, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। तो ये इस टाइप के हमारे पास तीन टाइप के पॉलिनोमियल होंगे हमारे सिलेबस में, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल। देखो लीनियर पॉलिनोमियल की अगर हम जीरोस फाइंड आउट करने की बात करें तो वो बहुत सिंपल है, आपको कुछ नहीं करना है, एक्स की वैल्यू पुट कर देनी है। सपोज मैंने एक्स की वैल्यू के पुट किया, के, तो के पुट करने पे क्या होगा, ए के प्लस बी। अगर के पुट करने पे आंसर जीरो आ रहा है तो आपके पॉलिनोमियल का आंसर कितना आएगा, जीरो इक्वल टू ए के प्लस बी। यहां से जरा के की वैल्यू निकालना, के की वैल्यू क्या आएगी, माइनस बी अपॉन ए। यानी अगर आपको कोई लीनियर पॉलिनोमियल दिया जाए और आपसे सिंपल क्या पूछा जाए कि इसका जीरो निकालो, तो जीरो निकालने के लिए सिंपल सा हमारे पास अब चीज आ गई ना। जैसे मेरे को सपोज ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, सपोज 2x प्लस 3, है ना, ये आपको एक लीनियर पॉलिनोमियल दिया है, बोला इसका जीरो फाइंड आउट करो। आपके पास ये फॉर्मूला है, इसमें कुछ नहीं करना, आपको कोफिशियंट लिखना है, आपके पास आंसर आ जाएगा। तो बी क्या है, बी कॉन्स्टेंट है, तो कॉन्स्टेंट क्या है यहां पर, माइनस थ्री अपॉन ए। क्या है, ए कोफिशियंट है एक्स का, माइनस थ्री अपॉन टू। देख लो पुट करके, माइनस थ्री अपॉन टू जब आप पुट करोगे तो आंसर आपका क्या आ जाएगा, जीरो। तो इस टाइप से आप लीनियर पॉलिनोमियल का जीरो फाइंड आउट कर सकते हो। वहीं हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करें तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का इतना इजीली जीरो फाइंड आउट नहीं होता है, इसके लिए हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म लगाते हैं। क्यूबिक पॉलिनोमियल की अगर हम बात करें तो क्यूबिक पॉलिनोमियल में हम डिवीजन मेथड भी अपनाते हैं, है ना, और भी अलग अलग मेथड अपनाते हैं। तो क्लियर हुआ? तो लीनियर पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म ए एक्स प्लस बी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, वहीं क्यूबिक पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। और एक चीज और याद रखना, देखो लीनियर पॉलिनोमियल में मैक्सिमम जीरोस जो होते हैं वो होते हैं वन, है ना। मैं यहां लिख देता हूं, मैक्सिमम जीरो कितने निकलेंगे, मैक्सिमम जीरोस
जो होंगे आपके कितने होंगे, वन। वहीं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जो मैक्सिमम जीरोज होंगे वो होंगे मैक्सिमम टू। क्यूबिक पॉलिनोमियल के जो मैक्सिमम जीरो होंगे वो होंगे थ्री। अब सर ये कैसे पता लगेगा? देखो बहुत इजी तरीका है इसको पता करने का। लीनियर पॉलिनोमियल में हाईएस्ट डिग्री कितनी होती है, वन। तो जितनी हाईएस्ट डिग्री होती है उतने ही मैक्सिमम जीरोज होते हैं। तो लीनियर पॉलिनोमियल में हाईएस्ट डिग्री वन, तो मैक्सिमम जीरोज कितने निकल के आएंगे, वन। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हाईएस्ट डिग्री टू, तो मैक्सिमम जीरोज भी कितने निकल के आएंगे, टू। क्यूबिक पॉलिनोमियल में हाईएस्ट डिग्री थ्री, तो मैक्सिमम जीरोज भी कितने निकल के आएंगे, थ्री। ठीक है, इससे ज्यादा कभी नहीं निकल सकते, कम हो सकते हैं, दो एक जीरो हो सकते हैं किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, लेकिन आप सोचो दो से तीन हो जाए तो वो कैसे भी पॉसिबल नहीं है, है ना। तो क्लियर हुआ ये चीज। अब इसमें काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज रिलेशन बिटवीन कोफिशियंट एंड जीरोस, है ना। वो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, क्योंकि उसके काफी सारे बोर्ड में क्वेश्चंस आते हैं, वो आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्लियर है? देखो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशियंट। इसके क्वेश्चंस काफी सारे हैं, इवन आप जब अपनी एनसीईआरटी बुक खोलोगे तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो आपको मिलेंगे वो इसी के बेसिस पे होंगे, है ना। कुछ नहीं दिया होगा आपको, जीरोज दिए होंगे और आपके पास एक इक्वेशन होगी, उस इक्वेशन से आप कोफिशियंट फाइंड आउट कर लोगे, जीरोज आपके पास हैं, और जीरोज और कोफिशियंट के बीच में एक रिलेशन है ना। जीरोज और कोफिशियंट के बीच में एक रिलेशन है, वो रिलेशन जानना काफी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि उसी के बेस पे आपके क्या आते हैं, न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो जैसे कि अगर हम बात करें तो लीनियर पॉलिनोमियल का, तो अभी हमने देखा था लीनियर पॉलिनोमियल का क्या आया था, लीनियर पॉलिनोमियल इसमें हमने क्या देखा अभी, सपोज इसका जीरो अगर मैं अल्फा ले लूं तो क्या आया था, माइनस बी अपॉन ए, यही तो आया था। एक ही जीरो था तो एक ही जीरो है, रिलेशन आ गया माइनस बी अपॉन ए, अभी अभी हमने फाइंड आउट किया। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का अगर मैं जीरो देखूं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इसका रिलेशन काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसका रिलेशन देखते हैं हम। अब क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो हाईएस्ट डिग्री कितनी होगी, टू, तो जीरोस कितने होंगे इसके, मैक्सिमम टू। तो अल्फा और बीटा ये दो हमने इसके जीरोस ले लिए। अब इसके जो रिलेशन है वो सम और प्रोडक्ट के, है ना, अकॉर्डिंग है। सपोज अगर हम जीरोस को ऐड कर दें तो उसका रिलेशन है माइनस बी अपॉन ए कोफिशियंट के साथ। वहीं अगर हम इनके जीरोस को प्रोडक्ट कर दें, इनका प्रोडक्ट कर दें, तो रिलेशन आता है सी अपॉन ए। अब प्रॉब्लम आ रही होगी काफी कि माइनस बी अपॉन ए, सी अपॉन ए क्या है, कुछ नहीं है, काफी इजी है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यही तो जनरल फॉर्म होती है। तो ढूंढ लो इसमें ए और बी, देखो माइनस बी ए रा अपॉन ए, है ना। तो बी किसका कोफिशियंट है, एक्स का, ए किसका है, एक्स स्क्वायर का। वहीं सी, सी क्या है हमारा, सी कॉन्स्टेंट है, ए क्या है हमारा, ए कोफिशियंट है हमारा एक्स स्क्वायर का। तो इस तरीके से आपको इसको क्या करना है, यूज, वो अभी समझ में आएगा। अभी बस आपको याद रखना है कि जीरोज और कोफिशियंट के बीच में रिलेशन क्या होता है, लीनियर पॉलिनोमियल में, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में, है ना। बाकी जब हम इसके क्वेश्चंस करेंगे तो काफी ज्यादा मजा भी आने वाला है, क्योंकि क्वेश्चंस इसके काफी इंटरेस्टिंग है, और तब आपको समझ में भी आएगा कि ये किस तरीके से यूज होता है ना। एक और देख लेते हैं अब, क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। देखो क्यूबिक पॉलिनोमियल में कितने जीरो होंगे, तीन जीरो होंगे। इसकी जनरल फॉर्म क्या है क्यूबिक पॉलिनोमियल की, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ये इसकी जनरल फॉर्म है, ठीक है। अब देखो क्यूबिक पॉलिनोमियल्स में जीरोज का जो रिलेशन है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, क्योंकि भैया थ्री डिग्री है ना, मैक्सिमम कितनी डिग्री है, थ्री, तो थ्री है तो जीरोज भी कितने होंगे, तीन। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी अपॉन ए। दूसरा, अब इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो, अल्फा बीटा, बीटा गामा और अल्फा गामा, ये होता है आपका सी अपॉन ए, ठीक है। फिर इनका प्रोडक्ट कर दो, अल्फा बीटा गामा, ये होगा आपका डी अपॉन ए। क्लियर है?
तो इस तरीके से ये आपका रिलेशन आता है जीरोज और कोफिशियंट के बीच में, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, है ना, क्योंकि आपका जो सेकंड चैप्टर है पॉलिनोमियल, अब उसमें वो नाइन्थ के कॉन्सेप्ट आपसे नहीं पूछेगा, है ना, कि इसके एक फैक्टराइज करने के लिए दे दिया और बोला जीरोज निकालो, या आपको बोल दिया कोफिशियंट ढूंढ के बताओ, अब इतना ईजी क्वेश्चन नहीं आने वाला बोर्ड में, जाहिर सी बात है। तो आपसे काफी अच्छे लेवल का क्वेश्चन पूछेगा और वो अच्छे लेवल के क्वेश्चन आपके इसी से बनते हैं, तो वो जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तब उनको कवर कर लेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा, ये सिर्फ मैंने एक बेसिक इंट्रो दिया था, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट कुछ अच्छे न्यूमेरिकल्स के साथ, जिनसे हमें ये अपना अपना जो इंट्रोडक्शन है वो और अच्छे से क्लियर हो सके, है ना, ये जो टॉपिक है रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट बहुत अच्छे से क्लियर हो सके। तब तक पढ़ते रहिए, इंजॉय करते रहिए, बाय बाय।